तुम अगर ऐसे झूठ बोल बोल के इंसान को जेल भेजोगे और कहीं ना कहीं कुछ चीजें और जबरदस्ती का जेल भेजना, अंदर 150 कैमरे लगे हुए, 150 कैमरे में कोई ऐसी हरकत करेगा क्या? रोमिल जो है वो सिर्फ गेम खेलना जानता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका हिंदी रश पर। आज बिग बॉस की चर्चा में मेरे साथ है सौरभ पटेल। बिग बॉस चर्चा करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए, मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे कि शिवाशीष के बाहर आने के बाद जिस तरह से उन्हें निकाला गया घर से, उस पर आपका रिएक्शन क्या था? मुझे लगता कि अगर किसी को निकालना ही था तो ऐसे नहीं निकालना चाहिए कि किसी को दुख हो। हालांकि वो बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है उसे कि वो चीज़ें भूल जाता है, ये उसके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है। और मैं भी नहीं चाहता कि वो इस चीज़ को दिमाग में रखे और वो सैड घूमे, अपसेट हो, तो ठीक है। लेकिन अगर उनको निकालना ही था, कोई भी अगर निकलता है तो उसको अच्छे से निकालो कि वो बाहर जाके दुखी ना हो। निकालना तो है ही आपको, मुझे पता है कि निकालना तो है ही, चाहे वो आप ही निकलता है, एक हफ्ते बाद निकलता है, लेकिन जब भी निकलता है इंसान तो उसको वैसे निकालो कि उसको आगे चल के अपसेट ना हो ये चीज़ों का। लेकिन आपको लगता है कि अगर शिवाशीष को निकाला नहीं जाता तो वो इस हफ्ते एलिमिनेट हो सकते थे? मैं कह रहा हूँ वो होता नहीं होता ये बात की बात है, क्योंकि वो अच्छा खेल रहा था, ये मुझे भी पता था। लेकिन आप जब निकाल रहे हो ना तो उस चीज़ों को देखो कि आप क्यों निकाल रहे हो, है ना। कई लोगों ने नियम के उल्लंघन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लोग तो बहुत गालियाँ वालियाँ भी दे देते हैं, वो तो दुनिया सबसे बड़ी चीज़ है। आप किसी के माँ बाप को गाली देते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया की सबसे बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि आप उसके माँ बाप को दे रहे हो गाली। तो ये सारी चीज़ें देख के करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप उसको सजा दे देते, आप कुछ भी ऐसा कर देते, लेकिन एविक्शन नहीं करना था, क्योंकि एविक्शन का मतलब फिर ये नहीं होता, फिर डायरेक्ट आप नॉमिनेट था तो वैसे कर देते। तो यही कहना है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रोमिल को दोषी ठहराया शिवाशीष ने, तो आपको लगता है कि बिग बॉस का जो डिसीजन था वो फेयर नहीं था? नहीं, रोमिल को तो सही ठहराया, क्योंकि रोमिल जो है वो सिर्फ गेम खेलना जानता है, वो ये नहीं जानता कि गेम के दौरान मुझे क्या सही और क्या गलत है। मतलब उसे पर्सनली निकालना है हर चीज़। मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग से जब उसने मुझे नॉमिनेट किया था, उसने ये बोल के किया था कि मैं एंटरटेन कम हूँ। चलो मैं मानता हूँ उस टाइम तक मैं एंटरटेन नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डांस भी किया है सृष्टि के साथ, मस्ती भी की है, एंटरटेन भी किया है, अच्छे से सबसे बातें भी की हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं मेरी। लेकिन ठीक है, अगर उसको लगता था तो मैंने मान लिया, लेकिन अगर मेरा लगता था तो सभा सोमी का क्यों नहीं लगा? उसके हिसाब से तो सभा ने अपने आप को नॉमिनेट किया था, सोमी ने नहीं किया था, तो तुम उनका भी चेंज करते तो तुम फेयर कैसे हुए? तुम अगर ऐसे झूठ बोल बोल के इंसान को जेल भेजोगे और कहीं ना कहीं कुछ चीजें और जबरदस्ती का जेल भेजना, मतलब कुछ नहीं बोल रहे, गेम में हाइपर होता है। अरे गेम में कौन नहीं हाइपर होता? गेम में तो तुमने, वो तो हाइपर होता, तुमने तो स्प्रे मारा था मुंह पे कंटिन्यू। वो कौन सा टास्क था अपना, सबसे फर्स्ट आज का जिसमें टॉर्चर करके उठाना था चेयर से उनको, समुद्र के लुटेरे, वो वाला टास्क था, उसमें सबसे ज्यादा टॉर्चर रोमिल ने किया है, वो चीजें कहाँ गई फिर? और अगर तुम लगता है कि तुम गेम में हाइपर होता तो सुरभि इतनी गालियां देती है गेम के दौरान? और नहीं, जिस दौरान शिवाशीष के जेल में जाने की बात हो रही थी उस दौरान सुरभि काफी हंगामा कर रही थी और घर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि रोमिल उन्हें जेल भेजने ही वाले हैं, तो जो गलती उन्होंने नहीं की है वो करके तब जेल जाए। हाँ। लेकिन और जैसे ही फैसला आया तो सभी शॉक रह गए। हाँ, और दूसरी बात, आप चलो आप बोलते हो मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चे मन से खेलता हूँ, तो सच्चाई दिख कहाँ रही आपकी? ना सभा सोमी का डिसीजन बदला, आप बोलते गेम में हाइपर होता तो आपने तो किसी के नाक पे कंटिन्यू स्प्रे मारा है, उस गेम के दौरान क्या हो सकता था वो आपको नहीं पता, आपने खुद ने किया, रोमिल ने खुद ने ये चीज की है। आप कोई ऐसे फालतू के रीजन मत दो जो कोई काम के नहीं है, क्योंकि आप दीपक और सुरभि को हमेशा सेव करना चाहते हो, हैप्पी क्लब को सेव करना चाहते, ये क्या है भाई? आप सच्चाई से खेलो, सच्चे मन से खेलोगे ना तो ही जीतोगे, नहीं तो दुनिया में कहीं भी रहो ना कहीं नहीं जीत पाओगे, बिग बॉस नहीं कहीं भी रहो आप। हैप्पी क्लब की बात करें तो कहीं ना कहीं टूटते हुए कगार पे नजर आया है, लेकिन इसमें आपके घर से आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया, दीपक और सोमी के बीच जो लव ट्रायंगल चल रहा है। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें कहीं ना कहीं रोहित की एंट्री हो गई है। जब मैं अंदर भी था तो कहीं ना कहीं वो पसंद करता था दीपक उसको, सोमी को, वो बात अलग है कि सोमी उसको दोस्त मानती है, वन साइडेड है वो तो, लेकिन ठीक है, अच्छा है कि एक लव स्टोरी दिखा रहे, लेकिन ये
मतलब ये फिर बदलते जा रही हैं चीज़ें, हमें ये चीज़ें वैसी नहीं दिखानी चाहिए कि लव स्टोरी ये सब, क्योंकि वो वन साइडेड है। ठीक है वो पसंद करता है वो बात अलग है, इसका तो वो ही बता सकते हैं कि सोमी कब राजी होगी कब नहीं होगी, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। तो जब आप घर में थे तो दीपक आपसे ये बात डिस्कस करते थे? हाँ हाँ, बोलता था और मैं उसे चिढ़ाता भी था कि तू बोल क्यों नहीं देता, और मैं गाना भी गाता था जो नसीब में नहीं था वो मिला नहीं, तो वो हंसता भी था प्लीज मत बोल, लेकिन ठीक था, अच्छा था, वो एक पार्ट था जो मजा आता था उसके साथ करने में। शिवाशीष और जसलीन की दोस्ती के बारे में भी बाहर काफी खबरें आई, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर निकलते निकलते शिवाशीष और जसलीन के बीच की दोस्ती टूटती हुई नजर आई थी। क्या होता है कि शिवाशीष का नेचर ऐसा है और मेरा भी नेचर ऐसा है कि कोई इंसान अगर हमारे साथ हो और हमारा विश्वास तोड़े तो फिर हम शायद उसको पलट के नहीं देखते हैं। तो हो सकता है उसके उसको कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा ऐसा, तभी टूटती हुई नजर आए, ऐसा कुछ लगा होगा उसको। मैंने तो वो शायद एपिसोड भी नहीं देखा है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ लगता है तभी वो दूर होता है इंसान से, नहीं तो वो बहुत अच्छी दोस्ती निभाता है जैसे मैं निभाता हूँ। हम दोनों ही बहुत ही अलग हैं, इसलिए अलग हैं कि हम एक बार जिसको अपना मान ले फिर उसके पीठ पीछे या उसका बुरा नहीं चाहते कभी। जसलीन मथारू से याद आया मुझे कि जैसे ही अनूप जलोटा घर से बाहर आए उन्होंने जसलीन के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को मना कर दिया, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो जसलीन के साथ किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, जबकि सिर्फ वो शिष्य और गुरु का ही रिलेशनशिप है। तो जब आप घर में उन दोनों के साथ रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, तो बाहर क्या ये खबर जानने के बाद आप शॉक हुए थे? मैं ये कहता हूँ कि अगर उनका ये रिश्ता नहीं है, वो तो उनने अनूप जी ने बताया, अभी जसलीन के मुंह से सुनना बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत हो रही है फिर। तो अगर ये रिश्ता वैसा नहीं था तो आपको वो मेंटेन करना था। आप जब बिग बॉस के घर के अंदर जाते हो और आपको गुरु शिष्य का रिश्ता निभाना है तो फिर आप डेट पे मत जाओ, अगर जसलीन आपको गाल पे किस कर रही है तो वो मना करो, क्योंकि आप सारी चीज़ें करने के बाद ये नहीं बोल सकते ना कि आप वो नहीं था। कि चलो ये भी मैं बोलता हूँ कि ये साबित नहीं होता कि गुरु शिष्य या शिष्य गुरु को किस नहीं कर सकते, चलो कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप वो औधा भी आपने नहीं रखा ना, आपने वो औधा भी नहीं रखा कि चलो हम ये मेंटेन करें कि दुनिया की तरफ गलत ना जाए, तो कहीं ना कहीं दुनिया को भी लग रहा होगा ना ये चीजें कि आपने वो चीज फिर मेंटेन नहीं की है। अब या फिर वो शुरू स्टार्ट से ही ऐसा करना था और नहीं करे तो फिर बाद में आके सफाई देने का कोई मतलब नहीं। एक और जो इस समय हंगामा मचा हुआ है बिग बॉस के घर में वो दीपिका ने किया था, जब रोमिल ने उनके ऊपर भैया और सैया वाला कमेंट कर दिया था। अच्छा। काफी नाराज हो गई थी दीपिका, तो आपको क्या लगता है कि रोमिल का वो मजाक मजाक की तरह लेना चाहिए था या फिर सच में नाराज होने वाली ये बात थी? देखो ऐसा है, रोमिल जब मजाक करता है तो उसको पता नहीं होता मजाक क्या होता है, ये मैंने घर के अंदर भी बोला था एक टास्क के दौरान, मैंने बोला था कि तुम जब मजाक करते हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि किस टाइप के मजाक होते हैं, इंसान की ऐसी चीज़ों के बारे में बोल देना वो मजाक में कभी कन्वर्ट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, पहले पता होना चाहिए कि ये मजाक नहीं है भाई, आप किसी भाई बहन के रिश्तों का अगर ये बोल रहे हो तो पूरी दुनिया से पूछ लो, ये मजाक नहीं हो सकता। मेरे को भी बोला गया था, लेकिन कहीं भी भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं वो स्कूल में बनते हैं और बिना राखी बांधे बनते हैं, कॉलेज में बनते हैं, जॉब करते हुए कई लोग कई भाई बहन बनते हैं, वो सारे रिश्ते सच्चाइयों से निभाते हैं लोग बाहर, है ना, बाहर अंदर 150 कैमरे लगे हुए हैं, 150 कैमरे में कोई ऐसी हरकत करेगा क्या? आपको आपको आप खुद बताइए कि कोई इंसान जो भैया और सैया वाली बात अगर बोल दी उसने तो कोई इंसान ऐसा सोचता होगा जो पूरी दुनिया देख रही है जिसको, ऐसा होगा क्या? क्योंकि रिश्ते तो आदमी मन से निभाता और भाई बहन के रिश्ते जहाँ तक, तो बहुत गलत है कि मजाक में इसको कन्वर्ट करना, ये मजाक में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकती ये चीज़। और बहुत सारे मजाक वो कर देता है जो मुझे भी पता है, एक बार शिवाशीष और जसलीन को भी बोल दिए थे कि तुम लोग ऐसे मत किया करो, बाहर गलत दिखेगा, बाहर गलत दिखेगा। पहली बात तो आप ये नोटिस करा रहे हो दुनिया को, वो दिख नहीं रहा गलत, आप इसको नोटिस करा रहे हो बोल के, अब दिखेगा, अब दिखेगा। ये रोमिल की चाल, किसी को नीचा दिखाना तो ऐसे नीचा मत दिखाओ, मेरा कहने का मतलब। दूसरा, अगर उनको लगेगा तो वो खुद दूर होंगे, आप कौन होते हो चिंता करने वाले, क्योंकि वो 5-6 साल के बच्चे तो हैं नहीं कि बाहर दिख रहा हो हम फिर भी हरकत कर रहे हैं, उनके भी घर में पेरेंट्स हैं, उनके भी मम्मी पापा हैं, उनके भाई बहन हैं, सब देख रहे हैं। तो रोमिल ना हर चीज़ बोल देता है, उसके बाद उसको मजाक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। पहले तो तुमने इंसान को नीचा दिखा दिया,
अब जब वो इंसान को पता चल गया कि इंसान ने इतना गंदा शब्द बोल दिया, तो वो इंसान ने उसको बोला कि तुमने इतना गंदा कैसे बोल दिया, तो बोल रहा था मैं मजाक कर रहा था, तो ये चीजें मजाक में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? Well, कई सारे सवाल जवाब हो चुके हैं और अब बारी है रैपिड फायर की, तो आई होप कि आप बोल्ड आंसर्स दें। आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओके, सो घर में सबसे बड़ा फेकू कौन है? सबसे बड़ा फेकू है दीपक। क्यों? हर चीज फेंकना, मैं सच्चा हूँ, मैं दोगला नहीं हूँ, मैं किसी की बुराइयाँ नहीं करता हूँ। अरे मुझसे ही बोल रहा था कि मैंने जब मेरा इलेक्शन हुआ तो मैंने बोला सर दीपक कौन जाने वाला है बाहर, तुझे लगता? बोले 100% तू नहीं जाने वाला है, उर्वशी, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मतलब तू उर्वशी को बोल रहा है। फिर मैं निकल गया, फिर मैंने जब उर्वशी से पूछा कि मेरे से दीपक ऐसा बोल रहा था, तो उर्वशी ने बताया कि भैया मुझसे बोल रहा था कि मैंने सौरभ से 10 बार बोला कि तू जाने वाला है बाहर, तू दुखी मत होना। तो वो वैसे ही है, मतलब झूठ बोल के आप गेम को जीतना, और अभी भी चीटिंग की ना उसने कल परसों, वो पता नहीं वॉच क्या लेट चालू किए, तो वो ऐसे गेम को नहीं खेला जाता कभी, ये गंदे गेम होते, इसमें क्या है। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन लगा आपको? बताने की जरूरत नहीं है, सुर भी। ओके, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग सिर्फ था और उसके अलावा मुझे अगर अभी अंदर बोला जाए तो एंटरटेनिंग भी करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का दिल भी जीत रहे हैं, वो श्रीशांत भी है। ओके, पीठ पीछे बुराई करने वाला? दीपक और रोमिल। टॉप 5 में किसे देखते हैं आप? दीपिका जी और श्रीशांत भैया, और टॉप 5 तक ना ही पहुंचाएं किसी को तो ठीक है, ये दो लोग डिजर्व करते हैं, और केवी भैया जो थोड़ी सच्चाई से खेलते रहते हैं कहीं ना कहीं। मेघा जी अच्छा खेल रही, मेघा जी को जाना चाहिए टॉप 5 में, और बस इतने ही। ओके, वेल श्रीसंत या दीपिका, दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा गेम किसका चल रहा है? थोड़ा 19-20 का फर्क है, 20 अगर श्रीशांत है तो 19 दीपिका जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमेशा साथ में रहना श्रीशांत के, तो वो अथॉरिटी श्रीशांत को ज्यादा मिल जाती है, मतलब श्रीशांत भैया को ज्यादा अथॉरिटी मिल जाती है। आप किसी के अंडर बोलते ना, अंडर में काम करोगे तो वो प्रूफ पैक ज्यादा श्रीशांत भैया हो जाते हैं, कि वो रिश्ते के चक्कर में हो जाता है या कैसे भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा अथॉरिटी आप किसी को दे दी कि मुझसे बड़ा ये है, तो वो श्रीशांत भैया। ओके, वेल आपको क्या लगता है घर में सबसे ज्यादा फुटेज के लिए कौन खेल रहा है? सुरभि और दीपक। सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग? सुरभि। सबसे बोरिंग? अभी ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि सबके अच्छे चल रहे हैं, लव एंगल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सबसे बड़ा बेवकूफ? नहीं, बेवकूफ तो नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचना बेवकूफ तो कोई नहीं पहुंचेगा बिग बॉस में, लेकिन हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी के अंडर में खेल रहे हैं अपना गेम ना खेल के, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो नहीं, जैसे हम नहीं कर रहे थे ना, मैं शिवाशीष की बात मानता था ना, वो मेरी सुनता था, और हम लोग एक अलग अलग गेम खेल रहे थे, हमारा जो नेचर है, हम जो है वो दिख के भी आया लोगों को, तो वैसे में कहा जाए तो फिर किसी की बात नहीं माननी चाहिए, अपना खुद का गेम खेलना चाहिए, किसी को अपने से ऊपर अथॉरिटी देना मतलब हम उससे वीक हैं। वेल इस बार नॉमिनेशन में सुरभि, सोमी और श्रीसंत के अलावा रोमिल बच गए हैं और बाकी सारे घर वाले नॉमिनेटेड हैं, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस हफ्ते कौन बाहर आ सकता है? मेरे को थोड़ा सा रोहित लग रहा है, क्योंकि इस वजह से नहीं लग रहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो इस वजह से लग रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जहाँ पे उसको अपने आप को प्रूफ करना है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों के पीछे भागता नजर आ रहा है, और जिस एनर्जी के साथ वो गया था कि ये करते हैं वो करते हैं, तो अब दिख नहीं रही, जैसे मेघा जी के अंदर दिखती है, उसके अंदर वो दिख नहीं रही, तो मुझे उसका ही लगता है कि हो सकता है। थैंक यू सो मच सौरभ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही बिग बॉस चर्चा के लिए बने रहिए हिंदी रश के साथ।